हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2022 LRDI के स्लॉट 2 का पहला सेट करेंगे। ठीक है, टोटल 4 सेट्स होते हैं, आज पहला सेट करेंगे। ये सेट मैं आपको इतने आसान तरीके से समझा दूंगा कि आपको लगेगा कि यार इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, और सिर्फ इस सेट की बात नहीं है, आप हमारे चैनल पर अगर प्ले लिस्ट पर जाओ, चाहे कैट हो, जेट हो, IFT हो, खैर इस साल से IFT तो होगा नहीं, ठीक है, तो कैट हो, जेट हो, सीमेट, कोई भी एग्जाम आप देखना, टफ से टफ क्वेश्चन के सबसे ईजी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं इतने आराम से समझा दूंगा कि आप सोचोगे यार बहुत ही ज़्यादा इजी था ये, तो हमारे फिर परसेंटेज क्यों नहीं आते कैट में, है ना। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। और हाँ, अभी भी अगर आपको कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट catipmat.com, अगर इसी साल कैट दे रहे हो तो /cat2023, और अगले साल दोगे तो /cat2024। और देखो, बहुत कम बच्चे होने के बावजूद इस साल का रिजल्ट बताऊं, 3 बच्चे XLRI में सिलेक्ट हुए हैं, है ना। एक बच्ची का SIBM से फाइनल कॉल था, उसने XLRI ज्वाइन किया उसने, ठीक है। एक नाम उनसे लखनऊ छोड़ के XLRI ज्वाइन किया है, तो इन्हें वैसे देखा जाए तो IIM लखनऊ में भी हुआ था, SIBM में भी हुआ था, ठीक है। तो अब आप खुद सोच लो आपको कोई कैसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। ठीक, चलो तो अब अपन ये सेट शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़ना। पहले स्क्रीनशॉट लेके खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक, उसके बाद में तरीका बताता हूँ। और ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में मेरा मानना है ये तो LR का क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो सिंपल क्वांट का क्वेश्चन आ गया था LR में, ठीक है। चलो कैसे देखते हैं, वो क्वांट में भी नहीं, रेशियो का कंसेप्ट पे पूरा क्वेश्चन था, रेशियो आता है, क्वेश्चन खत्म। अ फ्यू सेल्समैन आर एम्प्लॉयड टू सेल अ प्रोडक्ट कॉल्ड ट्रिक, अपन तो ट्रिक बोलते हैं, भले ही कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो, अमंग हाउस होल्ड्स इन वेरियस हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ऑन ईच डे अ सेल्समैन इज असाइंड टू विजिट वन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, हर दिन एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक सेल्समैन जाएगा। मैं पूरा अच्छे आपको पूरा डिक्टेट करके बता देता हूँ, मतलब भी समझा देता हूँ। वंस अ सेल्समैन एंटर्स अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ही कैन मीट एनी नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन द टाइम अवेलेबल, है ना, गिवन टाइम पे ये कितने भी घरों में जा सकता है, मोटा मोटा इसका ये कहना था ना। हाउ एवर इफ अ हाउस होल्ड मेक्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सेल्समैन, देन ही मस्ट लीव द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इमीडिएटली एंड कैन नॉट मीट एनी अदर हाउस होल्ड ऑन दैट डे। मतलब समझा देता हूँ, जैसे देखो आप किसी कॉम्प्लेक्स में गए, बहुत सारे मकान बने हैं वहाँ पे, ठीक, तो आप कितने भी लोगों से मिल सकते हो, लेकिन अगर एक ने भी कंप्लेन कर दी, ठीक है, तो तुरंत आपको वो कॉम्प्लेक्स छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर आप अगले किसी से नहीं मिल सकते। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अ हाउस होल्ड में बाय एनी नंबर ऑफ ट्रिक आइटम्स, अपन तो ट्रिक पढ़ेंगे इसको, और मे नॉट बाय एनी आइटम, कोई भी हो कितने भी आइटम खरीद सकता है, और इच्छा होगी तो कुछ नहीं खरीदेगा, ठीक है। The salesman need to report the total number of trick items sold as well as the number of households met in each day, है ना। सेल्समैन को बताना पड़ेगा कि उसने कितने आइटम बेचे और कितने घरों में वो गया था, कितने लोगों से मिला, बेसिकली अपन ये देखते हैं। अब सक्सेस रेट क्या होगा, सेल्समैन फॉर अ डे इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड टू द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स मेट ऑन दैट डे। ये एक अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एक काम की चीज पता चल गई हमें। सक्सेस रेट क्या होगा, आइटम सोल्ड अपॉन पीपुल मेट, शॉर्ट में अपन ने लिख लिया कितने लोगों से मिला, आइटम सोल्ड अपॉन, ये इसका सक्सेस रेट है, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड मेट ऑन दैट डे। सम डिटेल्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ 3 सेल्समैन, 3 सेल्समैन थी, THL अपन इनिशियल रेटरी पढ़ते हैं, है ना, ऑन 2 पर्टिकुलर डेज, 2 दिन में 3 लोगों के बारे में बात की गई है। तो अपन सबसे आसान क्या करेंगे, एक लेते हैं डे 1 और एक क्या ले लें, डे 2। सीधी लाइन नहीं खींच पाया मैं, 3 लोग हैं, ये 3 लोग हो गए, कौन कौन है भाई, THL, एक है T, एक है H, एक है L, एक ये बना लेते हैं और एक ये, कुछ टोटल टोटल नाम की चीजें भी होंगी तो अपन इसमें इसी लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलो 2 दिन है, ओवर 2 डेज ऑल 3
ऑफ देम मेट द सेम नंबर ऑफ टोटल हाउस होल्ड एंड ईच ऑफ देम सोल्ड 100 आइटम्स। हाँ, दो लोगों की बात हो रही तो अपन हर चीज में दो लेंगे, एक आइटम सोल्ड और एक हाउस होल्ड मेट, है ना। एक ये छोटू सा ऐसा इधर बना लेते हैं, ठीक है, ये ऐसा ऊपर वाला, फिर वो बॉक्स काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। और ये आइटम सोल्ड और हाउस होल्ड मेट, ये इसका एक छोटू सा बना लेते हैं, है ना। पहले ऊपर आइटम नीचे हाउस होल्ड इसलिए लिखा है क्योंकि उसका सीधे रेशियो देख लेंगे तो सक्सेस रेट भी हो जाएगा ये अपनी डेफिनेशन के हिसाब से। अब क्या बोल रहे हैं देखो, पहला ओवर द टू डेज ऑल थ्री ऑफ देम मेट द सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड, है ना, और सबने 100-100 आइटम बेचे। तो अगर तीसरा अपन ये टोटल का बनाए, है ना, टोटल में भी दोनों बना देते ऊपर आइटम और नीचे हाउस होल्ड, है ना। तो आइटम कितने सोल्ड किए तीनों ने, 100-100, है ना। तो ऊपर वाला आइटम है, नीचे वाला हाउस होल्ड, तो इसने भी 100, इसने भी 100 और इसने भी 100, और सेम लोगों से मिला तो एक्स एक्स एक्स, तीनों सेम लोगों से मिले 2 दिनों में, पहला पॉइंट खत्म। अब सेकंड पॉइंट, ऑन बोथ डेज एल मेट द सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, एल सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड, एम सोल्ड द सेम नंबर ऑफ आइटम्स। अब देखो आइटम टोटल 100 बेचे, सेम नंबर ऑफ आइटम बेच रहा है, 50-50 बेच रहा होगा, ये अपन पहली फुर्सत में ही लिख सकते थे। 50 इधर बेचे इसने, 50 ये बेचे, हो गए 100। और सेम लोगों से मिला, मतलब यहाँ पे अगर ये ए लोगों से मिला तो यहाँ पे भी ए लोगों से मिला होगा, ए और ए का टोटल क्या हो गया, 2A लोगों से मिला। तो एक काम करते हैं अपन, ए की जगह अपन लिख देते हैं एक्स। अब ध्यान देना एक्स क्यों लिख रहा हूँ, तो अगर ये यहाँ पे एक्स लोगों से मिला, यहाँ पे भी एक्स से मिला, तो टोटल 2x, मतलब ये सब लोग 2x 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 होगा, है ना, क्योंकि टोटल तो सेम था तीनों का। चीज समझ में आ गई, है ना, पहला पॉइंट हो गया अपना, दूसरा भी हो गया। थर्ड, एच कुड नॉट सेल एनी आइटम ऑन सेकेंड डे, एच कोई भी आइटम नहीं बेच पाया, बिकॉज फर्स्ट हाउस होल्ड ही मेट ऑन दैट डे कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। लो एच का क्या था भाई, सेकेंड डे एक भी आइटम नहीं बेच पाया, मतलब 0 लिखो, एक ही हाउस में गया और इसकी कंप्लेन हो गई। अच्छा टोटल आइटम ये भी 100 बेच रहा है, मतलब इसने 99 पहले दिन बेच दिए होंगे, है ना। अच्छा एक से हाउस होल्ड में, ओ सॉरी 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 0 बेच पाया नहीं, पहले दिन ही इसने 100 आइटम बेच दिए होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट में आ गया होगा अगले दिन, पहले वाले नहीं बोला चलो निकल लो, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना जीवन में, है ना। एक ही हाउस होल्ड में गया, मतलब टोटल अगर 2x है, टोटल अगर 2x है, है ना, हाउस होल्ड टोटल 2x विजिट कर रहा है, दूसरे दिन तो एक ही में विजिट किया, मतलब पहले दिन इसने 2x माइनस 1 हाउसेज में विजिट किया होगा, तो टोटल इसका भी 2x हो गया। हर चीज पढ़ के इत्मीनान से अपन चार्ट बना लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट भी हो गया। तीसरा, टी मेट 30 मोस्ट हाउस होल्ड ऑन सेकेंड डे देन ऑन द फर्स्ट डे, है ना। मान लो ये वाई लोगों से यहाँ पे मिला, है ना, तो दूसरे दिन 30 ज़्यादा थे, मतलब y प्लस 30 था, ठीक। अब ये 2x 2x से कंपेयर कर लेंगे बाद में, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा ये एक इक्वेशन बनाए, तो इसका पहले दिन का हाउस होल्ड है y, दूसरे दिन का y प्लस 30, अच्छा दोनों का मिला के तो 2x है, तो 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 2x, देन यहाँ से y प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन ही आ गई। मैंने कहा ना मैथ्स का क्वेश्चन था। अब देखो दूसरा आखिरी पॉइंट, फिफ्थ, टी सक्सेस रेट वॉज ट्वाइस द एल ऑन फर्स्ट डे, ठीक है, टी का जो सक्सेस रेट है वो डबल है एल के, यही बोल रहे पहले दिन, तो एल का सक्सेस रेट तो 50/x है, एल का सक्सेस रेट क्या है, 50/x फर्स्ट डे का, है ना, इसका डबल किसका सक्सेस रेट है, टी का,
अच्छा ठीक है, पहले दिन का हाउस होल्ड तो पता, ये नहीं पता, तो इसको अपन जेड मान लेते हैं, तो जेड अपॉन वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। ठीक, अभी ऐसे ही रहने दो, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन टू बोल देते हैं, आगे पढ़ो। एंड इट वॉज 75% ऑफ एल ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे एल का कितना है, एल का तो सेकेंड डे भी इतना ही होगा, दोनों दिन सेम ही था उसका। तो सेकेंड डे की बात करें तो ये तो रहा 50/x ही, इसका 75% यानी 3/4। 75% कितना होता है, 3/4। ये इज इक्वल टू क्या होगा, देखो टी का पहले दिन अगर उसने जेड आइटम सोल्ड किए तो टोटल तो 100 कर रहा है, अननोन कम से कम बनाने के लिए अपन अगले दिन का क्या ले लें, 100 माइनस जेड। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस जेड अपॉन y+30, ये अपॉन ये, यही सक्सेस रेट होगा, आइटम अपॉन हाउस होल्ड विजिट। तो लिख लो 100 माइनस जेड अपॉन y+30, ये इक्वेशन थ्री। अच्छा अननोन देखो, एक्स वाई जेड तीन दिख रहे हैं, इक्वेशन भी तीन दिख रही है, मतलब थ्री इक्वेशन से थ्री अननोन है, सॉल्व तो होके रहेगा। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। देखो तो पहली इक्वेशन में एक्स और वाई है, तो अपन क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड का यूज करके जेड को हटाते हैं। ठीक, तो पहली इक्वेशन से जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 100y/x। अब दूसरी इक्वेशन से पहले सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, अभी काट दूं क्या, 75/2x है ना, into y+30 इज इक्वल टू 100 माइनस जेड। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो जेड इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 100 माइनस 75 into y+30 अपॉन 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, और वही जेड की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो यही इज इक्वल टू हो जाएगा 100y/x। ठीक है, ये जेड की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अब 100 is equal to 100 minus 75 y upon 2x minus 0 का 0 2 2 5 0 upon 2x है ना, इज इक्वल टू 100y/x। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ रही है ना, तो इसको 200/2x कर लेते हैं, तो 100 is equal to क्या आ गया, अपन तो अपॉन में 2x रहने देते हैं। ठीक है, 200y+75y, तो 275y+2250। ठीक है, 25 आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इंटू इधर 25 से कैंसिल करें, 25 4 जाए तो 4 2 8x इज इक्वल टू, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 25 से कैंसिल करो, 11y+25, 9 से 225 होता है 90। और एक इक्वेशन एक्स और वाई में ऊपर क्या थी, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 15, एक्स की जगह वाई प्लस 15 रख देता हूँ, तो 8 मैंने कहा था पूरा मैथ्स का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, 15 8 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 11 माइनस 8 3y, तो 3y इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू आ गई 10। ये पूरी मेहनत करने के बाद y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अच्छा y 10 आ गया, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं y क्या आ गया, 10। तो y 10 आ गया, तो x क्या हो जाएगा, 10+15 25, और ये z क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी 10 और x की वैल्यू क्या है 25, z आ गया 40, z आ गया 40। अब ये जो चार्ट है हमारा, इसमें हम वैल्यूज लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, z क्या है 40, y क्या है 10, 100 माइनस z क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40 60। ये और ये y+30 इन्हें 10+30 40
ये 2x माइनस वन सब लिख दो, 2x 25 2 50 माइनस वन 49, ये 0 1 तो है ही। एक्स की वैल्यू क्या है 25, एक्स की वैल्यू क्या है 25, 25 2 50, 50 घर गए थे दोनों दिन मिला के ये लोग। आई थिंक पूरा चार्ट फिल हो गया, अब तो बस आंसर देना। ठीक चलो, व्हाट वॉज द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स मेड बाय टी एच एल ऑन द फर्स्ट डे? फर्स्ट डे टोटल हाउस होल्ड्स कितने हैं देख लो भाई, 10 प्लस 49, 59 प्लस 25, 59 प्लस 25 84। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 84। सेकंड, हाउ मेनी ट्रिक आइटम वर सोल्ड बाय टी? टी ने पहले दिन कितने बेचे? टी ने पहले दिन 40 आइटम्स बेचे है ना, 40। दूसरे का आंसर मैंने कहा ना कुछ नहीं करना, बस एक बार वो कंप्लीट कर लिया। हाउ मेनी हाउस होल्ड्स डिड एल मीट ऑन सेकेंड डे? एल सेकेंड डे कितने लोगों से मिला? ये था एल सेकेंड डे, 25 लोगों से मिला। खैर दोनों दिन सेम सेम लोगों से ही मिल रहा था 25। अच्छा कई बार क्या होता है ये लोग ट्रिक खेलते हैं, कई बार डायरेक्ट 25 नहीं देंगे, आपको एक रेंज दे देंगे, जैसे मोर देन 35 हमें पता नहीं है, 20 और लेस हमें पता नहीं है, बिटवीन 30 35 हमें पता नहीं है, बिटवीन 21 एंड 29 हाँ हमें पता है 25 है, इसलिए आंसर क्या होगा डी। और एग्जैक्ट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25। सेम फोर्थ भी इसी टाइप के, हाउ मेनी डिड टी मेट ऑन फर्स्ट डे? टी पहले दिन कितने लोगों से मिला? 10 लोगों से मिला, 10। ठीक है, 10 और लेस ऑप्शन डी, क्योंकि सही आंसर क्या था 10। ठीक है, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स? ठीक है, अमंग द थ्री टी हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द सेकेंड डे? हाईएस्ट सक्सेस रेट टी की बोलना सेकेंड डे है। ठीक है, तो देखो सक्सेस रेट 60/43/2, अपन रेशियो ही देख लें तो इसका रेशियो है 1.5, अपन यहाँ पे रेशियो भी देख लेते हैं, चलो ऊपर एक कॉलम खाली बचा उसका यूज कर लेते हैं। इसका तो 0 है, इसका 50/25 2, तो हाईएस्ट तो टी का नहीं है, तो पहला पॉइंट गलत हो गया और फॉल्स पूछा था यही, तो ये पांचों का आंसर हो गया। चलो सक्सेस रेट भी मैं लिख देता हूँ ऊपर ही है ना, ये हो गया। डे वन में क्या होगा 40/10 4, टी का ये 49 2 98 होगा 2 point something और 50/25 2। तो पहले दिन की बात करें सक्सेस रेट की, पहले दिन की तो टी का सबसे ज़्यादा है, फिर एल का और फिर एच का फिर एल का। दूसरे दिन क्या है, एल का सबसे ज़्यादा है फिर टी का फिर एच का। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ताकि ये बाकी बी सी डी पॉइंट भी आप ऊपर जो मैंने लिखा उससे चेक कर लोगे। ठीक, तो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो यार, वीडियो बहुत हो गई। मेरे चैनल को देखो, आप ही लोग ब्रांड बनाओगे तो जल्दी से बनाओ इसको। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल, आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग कैट 2022 LRDI में स्लॉट 2 का सेकंड सेट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये सॉल्यूशन देखने के बाद आप बोलोगे कि ये सबसे आसान सेट था। ठीक है, तो पहले खुद से करके देख लेना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक, तो चलो चालू करते हैं। और हाँ एक बात और, अभी थोड़ा सा मेरी आइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही, थोड़े से ज़्यादा वीडियो बना लेता हूँ तो ये वाले आई में थोड़ा पेन होने लगता है, तो अभी 10-15 दिन का ट्रीटमेंट कुछ चल रहा है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो थोड़े अभी फ्रिक्वेंसी वीडियोस की कम हो गई है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। ठीक है, तो और बीच बीच में मैं बनाते जाऊँगा, खैर वीडियोज़ की चिंता नहीं है। ठीक है, तो हाँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। और कैट 2023 मैराथन नहीं किया है तो परचेस कर लो, catipmat.com/cat2023। और कैट 300 का वेट जो लोग कर रहे हैं उनको बता देता हूँ कि वो हम लोग 1 month बिफोर ही लॉन्च करते हैं। चलो अब इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, बहुत इजी सॉल्यूशन बताऊँगा और काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो कभी भी कैट में से छोटे सा क्वेश्चन आ जाए ना, समझ जाना कि जितना छोटा है उतना ज़्यादा घुमाया होगा। जितना ज़्यादा बड़ा पैसेज रहता है ना उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, और जितना कम मतलब उतनी कम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में
कितने क्वेश्चन करने लायक होते हैं कितने नहीं करने लायक होते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी ये देख लो, है ना, पहले खुद से सॉल्व करना उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना, देखना हो तो। अच्छा, इसमें भी मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। देखो सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, ये अगर आप तीन क्वेश्चन देखोगे इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन नाइन्थ और टेंथ अगर आप बस एक बार इसी देखो, इफ़ 70 इफ़ 50, मतलब जो भी हम ऊपर चार्ट बनाने वाले हैं वो कंप्लीट नहीं बनेगा, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। देखो यही होता है प्रैक्टिस करने का फ़ायदा, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो ना तब आपको समझ में आ जाता है कि जब हम चार्ट बनाने वाले वो कंप्लीट बनेगा कि नहीं। तो ये दो क्वेश्चन में इफ़ लिखा है, मतलब सीधा साधा है कि हम जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो पूरी कंप्लीट नहीं होगी, और वैसे भी चार पांच ही पॉइंट लिखे थे तो उसमें क्या ही कंप्लीट होती। ठीक है, तो देखो तीन क्वेश्चन तो हो सकता है हम आसानी से कर लें, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमारे पास टाइम कम बचेगा, ध्यान रखना यही मेरी छोटी छोटी सी बातें कई लोगों ने फॉलो की। लास्ट ईयर LRDI में हमारे यहाँ से हाईएस्ट जो परसेंटाइल था वो आई थिंक 99.93 था। ठीक है, उस बच्चे ने भी मेरी यही बातें मानी थी, मैंने क्या कहा था कि दो एक सेट तो आपसे बनी जाएंगे, उसने दो पूरे किए थे सेट और बाकी जो बचे हुए दो थे उसमें से इजी इजी छांट के कर लिए थे। ठीक है, इस कारण उसके 99.93 आ गया था। ठीक, ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। चलो, स्पेशलिटी सुपरमार्केट सेल्स 320 प्रोडक्ट्स, ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट्स वर इधर अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। तो देखो टोटल प्रोडक्ट कितने, काम काम की चीज़ लिख लेते हैं, 320 या तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ध्यान से देखते आना, ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑल्सो इधर फॉरेन प्रोडक्ट और डोमेस्टिक। अब इसमें भी बोल दिया या तो फॉरेन है, तो देखो ऐसा बना लें। ठीक, अब इसमें भी या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा या फॉरेन प्रोडक्ट होगा, ये भी या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा या फॉरेन प्रोडक्ट होगा। हमेशा चार्ट बहुत अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, ये ठीक आगे, ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट हैड एटलीस्ट, अब एटलीस्ट बोल दिया मतलब दोनों भी हो सकते हैं, FDA और EU। तो अब इसमें भी बोल दिया या तो FDA होगा या EU होगा या बोथ होगा, अब इसमें घुमा दिया तो ये अपन यहाँ पे ले लेते हैं, FDA होगा, है ना, डोमेस्टिक फॉरेन में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना, या क्या होगा EU या क्या होगा बोथ, इधर भी ये अपन लिख लेते हैं। ये अपन ने मान लो CP के लिए लिख लिया, ऐसे ही न्यूट्रिशन वाले के लिए लिख लेते हैं, या तो FDA होगा या EU होगा या बोथ होगा। ठीक, ये अपन ने एक फॉर्मेट बना लिया, मेन चीज़ फॉर्मेट होती है, एक बार फॉर्मेट बन गया ना फिर क्वेश्चन में दम नहीं रह जाती। आगे पढ़ लेते हैं, अब कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, देयर वर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स। अच्छा, डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोडक्ट्स इक्वल है, अच्छा टोटल 120 है तो 160 होगा, है ना, ठीक है बाद में ध्यान देंगे। हाफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, अभी वही नहीं पता तो क्या ही करें, नन ऑफ द फॉरेन। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अगर पॉइंट देखो 1, 2, 3 में फॉरेन डोमेस्टिक पे ही खेल रहे हैं, तो अपन फॉरेन और डोमेस्टिक का अलग से भी चैट बना लेंगे अगर जरूरत पड़े तो। थर्ड, नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट हैड बोथ अप्रूवल, फॉरेन प्रोडक्ट में बोथ अप्रूवल नहीं है, तो यहाँ पे अपन जीरो लिख सकते हैं, इसके भी यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, FDEU बोथ नहीं है दोनों में। ठीक है, वेल 60 डोमेस्टिक बोथ। अब देखो एक चीज बनाते हैं, देखो एक हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, FDA EU बोथ है ना, देखा सेट थ्योरी भी आ गई यहाँ पे, और एक हम फॉरेन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें भी FDA EU बोथ, बोथ इसका जीरो है अभी ऊपर पढ़ा हमने। ठीक है, वाइल 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैड बोथ अप्रूवल, इस केस में यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, देखो सेट थ्योरी से बनाओ तो चीज़ें आसान रहेंगी, नहीं तो बहुत सारी इक्वेशन जो बना के करेंगे उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, और अपन इस क्वेश्चन को बिना इक्वेशन के सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, फोर्थ,
देयर वर, देखो आखिरी आखिरी में कई बार मेन इन्फॉर्मेशन देते हैं, देयर वर 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। चलो ये अगर 140 है, टोटल कितना है 320, मतलब ये कितना होगा 180, ठीक। हाफ ऑफ देम फॉरेन, अच्छा 140 है इसमें फॉरेन कितने, हाफ यानी 70, अच्छा ये आधे हैं तो ये भी आधे होंगे। अच्छा फर्स्ट पॉइंट पे अब आ जाओ, तुरंत याद आना जानी चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट लिखा हुआ था, है ना, ये पॉइंट अब अपना कंप्लीट हुआ, उस पर राइट लगा। इक्वल है मतलब अगर ये न्यूट्रिशन में इक्वल है तो फिर कॉस्मेटिक में भी इक्वल ही होगा, तो 180 का 90 इधर होगा और 90 इधर होगा, जो इन्फॉर्मेशन तुरंत पता चलता है वो लिखते जाओ। देखो ये पॉइंट अपन यूज़ कर चुके हैं, मैं सिर्फ राइट लगा देता हूँ। हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कितने हैं 160, है ना, 160 का आधा FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक है, यानी 160 का आधा 80 इधर आएगा, FDA अप्रूव्ड। हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक है 160 टोटल, है ना, डोमेस्टिक कितना है टोटल 160, और फॉरेन प्रोडक्ट भी कितना है 160, इसका आधा क्या है FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक, तो इधर 80। अब देखिए देखना ये 80 होगा, छूटू सा 80 लिखो, क्योंकि बोथ में भी तो कुछ जाएगा, है ना, तो वो 80 पूरा यहाँ पे नहीं लिख सकते, बोथ का मिला के ये और ये मिला के 80 होना चाहिए, ठीक है, बस हिंट के लिए ऐसा लिख लो, लेकिन ये पूरा 80 यहाँ पे मत लिख देना, ठीक। चलो सेकंड पॉइंट भी हो गया, नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट ये अपन यूज़ कर चुके हैं, थर्ड पॉइंट भी 140, हाफ ये भी हो गया। फिफ्थ पॉइंट अब सिर्फ बचा है, देयर वर 200 FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट। देखो टोटल FDA है 200, 70 ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट, ठीक है, FDA अप्रूव्ड 200 है, 70 इसमें फॉरेन प्रोडक्ट है, तो देखो फॉरेन प्रोडक्ट का ये बना है, ये FDA, 70 इधर आ गया, है ना, कितना आसान से कर दिया। अच्छा टोटल 200 FDA, तो देखो 70 और 60 130 हो गया, 200 के लिए यहाँ पे भी 70 आएगा, तो 70 60 130 और 70 200, टोटल 200 हो गया FDA। अब डोमेस्टिक टोटल कितना है 160, फॉरेन प्रोडक्ट भी टोटल कितना है 160, इक्वल थे, तो 70 प्लस 60 130 हो गया, 130 और 30 160, ये कंप्लीट हो गया। अब 70 160 माइनस 70 90 इधर आ गया, ये दोनों देखो सेट वाले 22 के सेट, ये दोनों कंप्लीट हो गए अपने, ठीक। आगे एंड 120 ऑफ देम कॉस्मेटिक, अब देखो 120 कॉस्मेटिक है ना, यानी ये FDA में क्या वैल्यू है 120, तो इस FDA की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। अच्छा इस FDA में देखना, इसका तो सीधा बोथ वाला चक्कर ही नहीं है, तो फॉरेन प्रोडक्ट में 70 FDA के आएंगे, फॉरेन प्रोडक्ट में 70 FDA के आएंगे, ठीक है, अभी नहीं कर सकते, और इसमें EU की बात करें तो डोमेस्टिक का 30 है, है ना, फॉरेन प्रोडक्ट का 90 है, फॉरेन प्रोडक्ट, ठीक है, अभी इतना ही, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 80, ये अपना चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा फॉरेन प्रोडक्ट देखो FDA इसमें 70, EU 90 आएगा, फॉरेन प्रोडक्ट में FDA 70, फॉरेन प्रोडक्ट में यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी 70, EU 90, इन दोनों का समीशन। एक आध पॉइंट कहीं से और पता चल जाए, देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं। अब वापस से क्या करते हैं, एक बार सारे पॉइंट अपन चेक कर लेते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओनली यू 30, वो सेकंड पॉइंट पे फिर से आते हैं। देखो FDA इधर 80 है, न्यूट्रिशन में FDA 80, इससे तो बता नहीं सकता, ठीक है। देयर वर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, ये अपना सही है, 160 160, ये पॉइंट हो चुका। हाफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर FDA अप्रूव्ड, डोमेस्टिक कितने हैं 160, आधा 160 का आधा 80 है ना, FDA अप्रूव्ड, ये 80 इधर आ गया, है ना, टोटल 90 चाहिए, ठीक है, अभी इससे नहीं बता सकते, है ना। None of the foreign product have both approval, है ना, foreign product में both approval नहीं है,
इन दोनों का एडिशन ही 70 होगा, इन दोनों का ही 90 होगा। अब कौन कितना होगा ये नहीं पता अभी, ठीक है। अच्छा ये 80 है, ये इधर 80 आएगा है ना, 120 था ये पूरा। अच्छा देखो 120 पूरा FDA है, इधर 80 आएगा तो इधर 40 आना चाहिए, ठीक है। तो इधर तो 80 पूरा आ गया बहुत बहुत मिला के, तो 40 फिर इधर ही आएगा, ठीक है। जी सर मैं ये और ये मिला के 80, तो डोमेस्टिक ही था 80, तो बचा क्या 120 में से, 80 गया 40, 40 इधर ही आएगा, इधर 40 आ गया तो इधर 50। सिमिलरली इधर पूरा FDA आना चाहिए कितना 80, अब इसमें ये नहीं दिया था तो ठीक है अभी इसको इसी रखते हैं, 40 50 इतना तो आ गया अपना। अब EU टोटल कितना है फॉरेन प्रोडक्ट में, EU है 90, फॉरेन प्रोडक्ट में देखो EU क्या दिया है 90, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में EU 90 है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में EU 90, 60 40, ये देखो 90 आ गया, ठीक है इस पे ध्यान मत दो। फॉरेन प्रोडक्ट में EU 90, तो फॉरेन प्रोडक्ट में 50 आ गया, बचा क्या 40, 50 और 40 हो गया 90 है ना, तो ये 70 चाहिए था तो ये 30। तो फॉरेन प्रोडक्ट वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया, फॉरेन प्रोडक्ट ही कंप्लीट क्यों किया, क्योंकि इसका बोथ जीरो था तो ये करना आसान था, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्यों नहीं कर पा रहे अपन, क्योंकि अपन को बोथ नहीं पता। तो टोटल 80 पता है, लेकिन बोथ जितना आएगा उतना कम करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिमिलरली वो केस इधर होगा। इसलिए मैंने याद करो आखिरी के जो दो क्वेश्चन थे उसके हिसाब से अपना चार्ट वैसे भी नहीं बनना था, तो इसको अभी अपन छोड़ देते हैं, ये अपना चार्ट बन गया। अब जो भी करेंगे अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अपन को याद रहे कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या किया था। अब बस क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फॉरेन प्रोडक्ट FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक, फॉरेन FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक, देखो फॉरेन प्रोडक्ट FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक 40, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है 40, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 40। अब तो देख देख के आंसर लगाने, शुरू के तीन क्वेश्चन के तो ऐसे ही लगा देंगे। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव FDA अप्रूवल, ठीक है। अब देखो कॉस्मेटिक टोटल कितने हैं 180, इसमें FDA अप्रूवल कितने को मिला हुआ है 120 को, तो 180 माइनस 120 60। सेकंड भी आसान था, मैंने कहा ना एक बार चार्ट बना लो तो बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आंसर क्या जाएगा 60। एट्थ, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बोथ अप्रूवल, डोमेस्टिक में बोथ बोल रहा है, तो देखो मिनिमम मैक्सिमम अपन ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही हुआ है, तो डोमेस्टिक में देखो बोथ में मैक्सिमम देखो 60 ही जा सकता है ना, डोमेस्टिक है बोथ बोला है ना, अब भले वो न्यूट्रिशन वाला हो या कॉस्मेटिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, पूरा का पूरा अपन कॉस्मेटिक में ही 60 दे सकते हैं, मैक्सिमम 60 जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, सी लगा दो, ठीक है। पूरा डिटेल में सॉल्व करना है तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन पूरा ऑप्शन से देखें तो 60 आ गया है ना, एटलीस्ट 10 भी आ ही जाएगा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो, ठीक है उसको अभी इग्नोर कर दो, ठीक है। एग्जाम में खटखट करना है ना, पूरी रिसर्च थोड़े करनी है, ठीक है। कौन सा था अब 9th, अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे कंडीशन आ रही, इफ 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कॉस्मेटिक की डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, अब बोला 70 को EU अप्रूवल नहीं है, तो देखो EU किस में आएगा, या तो EU या बोथ में, 70 बोल रहा है, 40 ऑलरेडी आ चुका है ये जिसको EU अप्रूवल नहीं है, बचा कितना 30, अब देखो 80 में से 30 इधर आ गया तो बचा क्या कितना 50 इधर आएगा, अब चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 50 30 80 हो गया, टोटल 90 था, इधर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब इधर भी भर देते हैं, बोथ वाले टोटल कितने थे 60 है ना, ये देखो 60 थे ना डोमेस्टिक में, 50 इधर आ गया, बचा कितना 10, अच्छा इधर टोटल 80 देना था जिसमें से 30 आ गया, बचा था 50, 50 को इधर टॉप पे 50 लिख देता हूँ ताकि याद रहे, 50 को बोथ और इसमें डिवाइड करना, 10 इधर आ गया, बचा कितना 40, 40 प्लस 10 50 और बचा 20 इधर आ जाएगा, ये पूरा चार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब बस कर लो, तो ये ओनली FDA ओनली EU और बोथ है ऐसा है ना, ठीक है। ये जो इसके पहले अगर आपको और समझना है तो ओनली ओनली लगा लेना यहाँ पे ताकि कंफ्यूज ना हो,
अब क्वेश्चन क्या पूछा था? न्यूट्रिशन में बोथ का, न्यूट्रिशन बोथ अपना 10 आया, 10 लगा दो, था ना आसानी से। अब आखिरी क्वेश्चन, अब आखिरी में अपन ने रेड रेड जो किया उसको पहले हटा देते हैं, नहीं तो अपने को कन्फ्यूजन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये ले लेना सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन के लिए। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि वापस से ये भरवाएगा, ये 50 रहने देते हैं क्योंकि ये तो अपन निकाल ही चुके हैं। चलो फिर से 50 न्यूट्रिशन को इस बार ईयू अप्रूवल नहीं, सेम लॉजिक इधर घूम रहा है वो, 50 को ईयू अप्रूवल नहीं, जिसमें 30 तो इधर आ चुका है, बचा कितना 20। अच्छा 50 में से 20 इधर आ गया, बचा कितना 30, इस बार 30 इधर आ जाएगा, है ना। 70 चाहिए, 30 20 50 और 20, 70 इधर हो गया। अब ठीक है 30 इधर, बोथ ओवरऑल 60 था तो 30 इधर आएगा, ठीक है 80 माइनस 30 50 इधर आ जाएगा, 50 30 80 और 10 ये, ठीक है। बस अब तो जो करना है वो कर लो। पूछा क्या है, हाउ मेनी डोमेस्टिक डिड नॉट ईयू अप्रूवल, यानी ओनली एफडीए पूछ रहा है, ओनली एफडीए बता दो 50, डोमेस्टिक पूछा था इसलिए सिर्फ ये बताएंगे 50। तो 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50। तो उम्मीद है आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, ध्यान से समझ लेना। और अभी तक वीडियो सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब हो, वीडियो को शेयर खूब करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और इस बार कंपटीशन तो थोड़ा अच्छा सा होने वाला है ना। 3.3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और आई थिंक 3 लाख अप्रॉक्स तो देंगे, तो मजा आएगी, ठीक है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो और अच्छे से तैयारी करो। कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी कैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, या आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी कोई चार्ज नहीं कर रहा गाइडेंस का, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो या हमारी वेबसाइट जो है catipment.com है ना, उस पर चैटिंग का ऑप्शन भी है, लाइव चैटिंग का, वहाँ पर जाके भी पूछ सकते हो, ठीक है। सॉरी, अच्छा आज का जो सेट है ये एक ही, यानी क्या बोलना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है, ठीक है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना, या आपके पास पहले से हो तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये मैंने हर बार इमेज लगा ली, हर क्वेश्चन में काम आएगी इसलिए, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करते रहना। अब काम की चीज़ सुनो, बहुत मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। अगर ये सेट क्रैक हो गया तो ये सेट ऐसा है कि आप 5 मिनट के अंदर पूरे 5 क्वेश्चन कर लोगे, है ना। 5 मिनट या मैक्स टू मैक्स 8 to 9 मिनट्स में पूरा का पूरा 5 क्वेश्चंस का सेट हो जाएगा, और एक सेट ये भी हो भी गया, है ना। तो आप सोचो 5 to 8 यानी 10 मिनट्स भी मान लो आपके 90% आ गए, बचे हुए 30 मिनट में आप क्या ही नहीं कर दोगे, आराम से कैट में टॉप मार दोगे। ये पर्टिकुलर स्लॉट 2 जो था कैट का, इससे आसान सेट तो तीनों स्लॉट में कोई नहीं था, हाँ। लेकिन अगर ये समझ में नहीं है तो यही सेट आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, ठीक है। तो इस बारे में मैंने कहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सेट है, क्लिक हो गया तो एक एक सेकंड में ऐसे यू 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 आंसर आएंगे, और क्लिक नहीं हुआ तो फिर इसमें आप 15-20 मिनट भी लगा दोगे, नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ध्यान से सॉल्यूशन देखना, और क्योंकि आप जानते हो कि टफ से टफ क्वेश्चन का सबसे ईजी सॉल्यूशन मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, तो पूरे मेरे सॉल्यूशन फॉलो करो, मेरे चैनल को लाइक्स और शेयर भी कर दिया करो यार, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन आप लोग मेहनत तो कर नहीं रहे, ठीक। और शेयर खूब करो, ठीक। और प्लेलिस्ट पे जाके पूरे कैट के प्रीवियस ईयर्स के, और हमने अलग अलग सीरीज़ बनाई हुई, आई एम अहमदाबाद सीरीज अलग है, IIM बेंगलोर सीरीज अलग है, उन सबके सॉल्यूशन देखो, टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन हैं, आपका बहुत भला होगा। और हाँ, कई लोग जो कैट 300 का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ उसको लॉन्च करने वाले हैं अपन। चलो पढ़ते हैं। Every day a widget supplier supplies widgets from warehouse to 4 locations A, B, C, D. अपन A, B, C, D पढ़ेंगे, ये warehouse है, यहाँ से A, B, C, D पे supply हो रहा है। The daily demand for widgets in each location is uncertain and independent of each other. एक दूसरे से independent है। Demands and corresponding probability values in parentheses are given against each location A, B, C, D in figure below. ये पूरा दिया हुआ है,
50 डिमांड है तो उसके 40% चांस है, 70 डिमांड आएगी इसके 60% चांस है, ऐसे ही बी में 40 डिमांड आएगी 30% चांस है, 60 डिमांड आएगी इसके 70% चांस है, ठीक है। ये पूरा उन्होंने यहाँ तक ये भी लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ 40% चांस दैट द डिमांड इन अहमदनगर विल बी 50 यूनिट्स एंड 60% चांस दैट द डिमांड विल बी 70 यूनिट्स। द लाइन्स इन द फिगर कनेक्टिंग द लोकेशंस एंड वेयर हाउस रिप्रेजेंट टू वे रूट कनेक्टिंग दोज प्लेसेस विद द डिस्टेंस इन किलोमीटर शोन बिसाइड इन द लाइन। ये जो 6, 10, 5 ये सब किलोमीटर, ए से बी की डिस्टेंस क्या है 6 किलोमीटर, बी से ए की भी 6 किलोमीटर। सिमिलरली ए टू डब्ल्यू 5 किलोमीटर एंड डब्ल्यू टू ए भी 5 किलोमीटर है ना, एंड सो ऑन। द डिस्टेंस इन बुथ डायरेक्शन अलॉन्ग रोड आर इक्वल, फॉर एग्जाम्पल रूट फ्रॉम ए टू बी एंड द रूट फ्रॉम बी टू ए बोथ 6 किलोमीटर। ये मैंने पहले ही समझा दिया आपको, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एवरी डे द सप्लायर गेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डिमांड वैल्यूज ऑफ द 4 लोकेशंस एंड क्रिएट द ट्रेवल रूट डेट स्टार्ट फ्रॉम वेयर हाउस एंड एंड्स एट द लोकेशन आफ्टर विजिटिंग ऑल द लोकेशन एग्जैक्टली वंस। ये ध्यान रखना, आफ्टर विजिटिंग ऑल द लोकेशन एग्जैक्टली वंस, कुछ कुछ काम की पॉइंट अंडरलाइन कर लेना चाहिए, एग्जैक्टली वंस। वाइल मेकिंग द रूट प्लान, रूट प्लान कैसे बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है जो अब इसने बताना चालू किया है। वाइल मेकिंग द रूट प्लान द सप्लायर गोज टू लोकेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिमांड, यानी ये काम की चीजें डिमांड जो होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर मेरे LRDA वीडियो कोर्स किसी ने लिया होगा वो जानता है मैं डिक्रीजिंग को ऐसे डिनोट करता हूँ, इंक्रीजिंग को अप एरो से, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिमांड होगी तो पहले इन्हें सबसे ज़्यादा डिमांड है उसके पास सबसे पहले जाएगा, फिर उसके बाद उससे कम डिमांड वाले के पास जाएगा, फिर उससे कम वाले के, सबसे आखिरी में सबसे कम डिमांड जिसकी होगी उसके पास सबसे आखिरी में जाएगा, ठीक है। इफ देयर इज अ टाई फॉर चॉइस ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन द सप्लायर विल गो द लोकेशन क्लोजेस्ट टू द करंट लोकेशन। अब मान लो दो लोगों की डिमांड सेम है ना, तो फिर अभी जिस लोकेशन पे वहां से अब जो लोकेशन पास में पड़ेगी उसके पास चले जाएगा, ठीक है। जिस समय आ गई दो लोगों की डिमांड सेम हो गई तो पास वाले के पास जाएगा। मान लो अभी आप बी पे खड़े हो, है ना, अब बी के बाद दो लोकेशन सेम है, सी और ए अगर बात कर दें, ठीक है। इधर डायग्राम से ही समझा देता हूँ, तो देखो बी से सी पास है तो सी के पास चले जाएगा, ए पे नहीं जाएगा अगर ए और सी की सेम डिमांड आ गई तो, क्लियर। ऑल्सो वाइल क्रिएटिंग द रूट द सप्लायर कैन इधर फॉलो द डायरेक्ट पाथ फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर और कैन टेक पाथ वे वेयर हाउस। जरूरी नहीं कि हर बार वो वेयर हाउस से ही जाएगा, है ना। अगर डायरेक्ट पाथ है तो डायरेक्ट पाथ से चले जाएगा या वेयर हाउस से, बोथ पाथ्स आर अवेलेबल डायरेक्ट एंड वेयर हाउस। द सप्लायर विल चूज द पाथ विथ मिनिमम डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको चूज करेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ रूट प्लान कैसे बनेगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी क्या है, और हर लोकेशन पे एक ही बार जाएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या दिमाग में रखना है, डिमांड का ऑर्डर डिक्रीजिंग होना चाहिए। तीसरा, अगर डिमांड सेम है दो लोकेशन की तो करंट जिस लोकेशन पे ये है वहां से जो पास में है वहां पे चले जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। इफ द लास्ट लोकेशन विजिटेड इज अहमदनगर, बोला लास्ट अगर ए है, ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन। अच्छा देखो, मैक्सिमम डिमांड कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है सबका मिला के। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, पहले एक चीज आपको और बता देता हूं, देखो ए से आएगा 70 60, ऐड कर दो 70 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 50 280, मैक्सिमम 280 डिमांड आ सकती है, और मिनिमम कितनी आ सकती है डिमांड 50 40 90। अच्छा पूरा लिख देता हूँ, 50 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 30, तो ये 100 और ये 90, ये 190, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो लास्ट में ए जा रहा है, मतलब सबसे कम ए ने डिमांड किया होगा, तो पहले कहीं जाएगा, उसके बाद कहीं जाएगा, उसके बाद कहीं जाएगा, फिर ए पे आएगा, ठीक, समझ में आ गया। समझ में क्या आना था, ये तो इसने खुद ही बोला है। अब देखो सबसे ज़्यादा डिमांड है 40 60 30 50, है ना, दोनों केस में सी ही सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले जाएगा सी पे, ठीक है।
अब देखो 60-40 और 30-50, ए पे आखिरी में मतलब मुझे बी और डी में देखना है पहले किसके पास जा रहा है ना। तो बी का देखें तो बी के चांस ज्यादा हैं थोड़ा, है ना, कंपेयर करें अगर डी से तो बी के चांस ज्यादा हैं, तो आप बी के पास जाओ फिर डी के पास जाओ, ऑटोमेटिक ए पे आना है। ठीक है, अब देखो सी पहले वेयर हाउस से सी पे गया, मतलब 12 चला, ठीक। अच्छा डब्ल्यू से सी गया, ऐसे लिखता हूँ 12 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। डब्ल्यू से सी गया, 12 चला, ये रूट हो गया मेरा। अब सी से जाना है मुझे बी, तो सी से बी तो देखो सबसे छोटा 4 ही आ रहा है, तो यहाँ से 4 गया, ठीक। अब बी से डी जाना है, अच्छा बी से डी जाना, अब सी पे मत ले आना इसको वापस, है ना, क्योंकि एक पे एग्जैक्टली 1, सी पॉइंट दिमाग में रखना। अब बी से डी जाना है तो वेयर हाउस से ही जा पाएगा, तो 10 + 2 = 12, है ना, ये 10 और ये 2 = 12, है ना। अब डी से जाना है ए पे, अब डी से देखो डायरेक्ट जाएगा तो 8, वेयर हाउस के थ्रू जाएगा तो 2 + 5 = 7, छोटा रास्ता कौन सा है 7 वाला, तो ये 7 को प्रेफर करेगा, जल्दबाजी में जिसने 8 लिया होगा उसका गलत हो गया होगा। अब देखो कितना आसान था, और नेटवर्क वाले में हमने कितने क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो टोटल कितना हो गया 12 + 4 = 16 + 12 = 28 + 7 = 35, ये आंसर हो गया आपका। देखा कितने आसानी से समझा दिया। सेकंड सेकंड के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ विजिट डिलीवर्ड इन अ डे 250 यूनिट्स, अच्छा टोटल देखो मैक्सिमम की बात करें 280 था, 280 से सीधे सीधे 250 हो रहा है, मतलब 30 का लॉस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है जो भी बोल लो। इसमें 50 और 70 में 20 का ही डिफरेंस है, इसमें 40 to 60 में 20 का ही डिफरेंस है, इसमें 70 to 100 में 30 का डिफरेंस है, और इसमें भी 20, मतलब सी में ही जो कमी आ रही वो आ रही होगी। तो सी का मिनिमम लूंगा मैं 70 ले लेता हूँ, बाकी सबका मैक्सिमम ले लेता हूँ, तो सी का मैं ले क्या ले लेता हूँ 70, और बाकी सबका मैक्सिमम यानी इसका 50, इसका 70 और इसका 60, ऐड करके देख लो 250 आएगा। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, 70 + 70 = 140, 60 200 + 50 250 हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, सी और ए में बात करें, है ना, तो वेयर हाउस से दोनों हैं, है ना, ए और सी दोनों 70 70 दिख रहे हैं, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन रूट, ठीक है। तो वेयर हाउस से सबसे पास कौन दिख रहा है मुझे, ए, तो सबसे पहले ये ए के पास जाएगा, है ना, तो वेयर हाउस से हम गए ए, ए के बाद हम सी पे ही जाएंगे, है ना, क्योंकि डिमांड सबसे ज़्यादा ए और सी की थी, है ना, सी के बाद 60 और 50, हम बी पे जाएंगे फिर डी पे जाएंगे, बी पे जाएंगे फिर डी पे जाएंगे। तो वेयर हाउस से A5, अब ए से सी, 5 + 12 ही होगा 17, है ना, और कहीं और लोकेशन से तो जा नहीं सकता, है ना, तो वेयर हाउस से गया ए, ए से वेयर हाउस से सी, ए से आया, अब सी से बी 4 पे ही जाएगा, सबसे छोटा एक पड़ेगा, है ना, अब बी से डी, बी से डी और कहीं से तो जा नहीं सकता, इसको वेयर हाउस से ही जाना पड़ेगा, 10 + 2 = 12, देख लेते हैं कितना हो रहा है, 5 + 17 = 22 + 4 = 26 + 12 = 38, है ना, एक बार और देख लो, 12 16 38, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 38, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर ब्लू पेन से करते हैं, मजा आ रही होगी। व्हाट इज द चांस दैट टोटल नंबर ऑफ विजिट डिलीवर्ड 260, अच्छा अभी बात हुई मैक्सिमम हमारे पास 280 है, डिफरेंस आ रहा है 20 का, है ना, तभी 260 हो पाएगा। अच्छा 20 तो ये तीनों ही दे रहे हैं, ठीक है ठीक है, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। व्हाट इज टोटल विजिट डिलीवर्ड 260 एंड रूट एंड्स बी, अच्छा बी पे एंड कर रहा है, चलो ये इसने अच्छी चीज बता दी, तो सिर्फ बी पे बी ये रहा, बी का हम मिनिमम वाला ले लेंगे 40, है ना, बाकी सबका मैक्सिमम ले लेंगे, तो बाकी सबका अगर मैक्सिमम आ रहा है तो सी का आएगा 100, तो वेयर हाउस से आप जाओगे सी,
सी से आप कहाँ पे जाओगे? ए, क्योंकि सबका मैक्सिमम लेना है। ए से आप जाओगे डी पे और डी से आप जाओगे बी पे। ये रूट प्लान मैंने बना दिया। अच्छा, ये अब चांस बोल रहा है, तो देखो सी पे आने के चांस कितने हैं? 100, मतलब 70% है ना, तो 70% अब प्रोबेबिलिटी टाइप का है, तो 0.7 लिख देता हूँ। अब सी से ए की प्रोबेबिलिटी यानी इसके क्या चांसेस? 60%, 0.6 लिख देता हूँ। ए के बाद डी, डी के 50 के 60% यानी 0.6, और इसका बी का आखिरी है 40, मतलब 30%। सॉल्व कर लो, पॉइंट पॉइंट आखिरी में लगा लेंगे इन दोनों का, इन दोनों का। कैट में तो कैलकुलेटर भी मिलता है। पॉइंट 0756% में अगर लिखना चाहें, इधर परसेंटेज में लिखा हुआ है ना, तो परसेंटेज में वैल्यू क्या हो जाएगी? 7.56, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान था। अगला 14th, इफ द फर्स्ट लोकेशन विजिटेड फ्रॉम वेयर हाउस इज ए। अच्छा, ए से वेयर हाउस से फर्स्ट लोकेशन ए है, ठीक है। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, ए और का मैक्सिमम और सी का मिनिमम 70 है, मतलब ए का मैक्सिमम ही ले रहा होगा वो, और सी का मिनिमम, इसके बाद ए के बाद तो देखो सी ही आना है ना, ए और सी। अब मेरे को बी और डी में देखना है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। रूट इसने बता दिया भैया 40 किलोमीटर मुझे चलना है, ठीक है। देखो ए तो ये 5 किलोमीटर ही चलेगा वेयर हाउस से, यहाँ पे डब्ल्यू लिख लेता हूँ, हाँ वेयर हाउस से ए 5 किलोमीटर। अब ए से सी जाना है, 17 पहले भी अपन कर चुके हैं है ना, ये ए और इसको यहाँ पे जाना ही है, तो यहाँ पे 17, 17 और 5 कितना हो गया? 22। अभी मुझे 18 और चाहिए, अब 18 कैसे बनेगा वो मैं देख लेता हूँ है ना। तो डी सी से मान लो मैं बी जाता हूँ तो 4 है ना, इधर करता हूँ 4, और बी से डी जाता हूँ तो 12, 12 + 4 तो 16 हुआ, मुझे तो 18 चाहिए था। अब सी से मैं जाता हूँ डी, तो सी से डी जाऊँ तो 6, और डी से बी जाऊँ तो 12 है ना, 2 + 10 12, ये 18 आ रहा है, मतलब सी के बाद में डी पे जाऊँगा फिर बी पे। तो देखो अपन ने जो अपन को वो लगानी पड़ी है ना, देखो 5 और 17 तो फिक्स था, इसमें आपकी वो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, मतलब ए के बाद तो सी पे ही जाना था है ना, तो 5 और 17 22 तो फिक्स है ना, प्रोबेबिलिटी जिसकी श्योर होती है उसमें तो 1 हो जाती है ना, चांस और प्रोबेबिलिटी बात तो एक ही होती। हमें अब डी और बी में ही सोचना था 18 के लिए, तो डी के चांस क्या थे है ना। अच्छा डी और बी में जाने के लिए, अब ध्यान से देखना, डी और बी में डी बड़ा और बी छोटा होना चाहिए, क्योंकि डिमांड हाई से लो जा रहा है, तो डी का अगर मैक्स लेना है तो मुझे 50 लेना पड़ेगा, 50 मतलब 60% चांस दे, 0.6 लिख लो, और इसका 40 लेना पड़ेगा है ना, क्योंकि 50 से कम चाहिए बी, 40 का 30% चांस है, तो 0.6 × 0.3 है ना, 18.18% में लिखेंगे तो 18% ऑप्शन ए है ना, मस्त मजा आई हो। 15th, इफ ए इज नॉट इन द फर्स्ट लोकेशन, ए फर्स्ट पे नहीं है। देखो ए या सी ही फर्स्ट पे हो सकते थे, अपन इतनी देर से 4-5 क्वेश्चन हो गए, इतना तो जान गए, तो ए अगर नहीं है तो सी होगा है ना, और जा रहे हो तुम 29 किलोमीटर, ठीक है, तो पहले तो सी पे आ जाते हैं, तो सी के लिए तो हम 12 चले, इन वेयर हाउस से सी पे गए 12 चले, 29 - 12, अब मुझे इसको 17 और चलवाना है ना, 17 और चलवाना है, तो 17 के लिए अगर सी से मैं सोचो डायरेक्ट ए पे चले जाऊंगा तो 17 तो यहीं पे हो जाएगा, 12 + 5 गड़बड़ हो जाएगी, ये मैं नहीं कर सकता है ना। अब मेरे पास चांस है बी पे जाऊं या डी पे है ना। अच्छा ए को अगर मुझे, ध्यान से समझना, डी या बी के बाद में रखना है ना, तो ए की ये मिनिमम वाली वैल्यू ही लेनी पड़ेगी मुझे, 50 वाली,
50 से ज्यादा ये बी आ रहा है, और इधर देखो डी अगर लेता हूँ है ना, तो 30 और 50। अब लोकेशन देख लेता हूँ, पहले डी से ए पे जाता हूँ है ना, तो 6 8 6, ये नहीं, सी से मैं बी पे जाता हूँ तो बी पे आएगा 4 है ना, 4, फिर इससे ए पे चले जाता हूँ तो 6, और ये 7 मुझे दिख रहा था ना, इसलिए ए से डी पे जाता हूँ तो 7 आ गया, 17। तो अपन जाएंगे सी से बी पे, बी का अपन 60 वाला ले लेंगे है ना, बी का 60 वाला ले लेंगे, फिर ए पे आ रहा है तो ए का मुझे 50 वाला लेना पड़ेगा है ना, और 60 50, डी का मुझे 30 या 50 दोनों ले सकता हूँ है ना डी, क्योंकि देखो 50 इक्वल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं या कम होगा। तो देखो अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ विजिट्स डिलीवर्ड, तो सी पे हाईएस्ट लेना था 70 और 100 में दोनों ले सकता था है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान से देखना इसी में बता देता हूँ। अब देखो सी पे मैं 70 भी ले सकता हूँ 100 भी ले सकता हूँ, बी पे मुझे 60 ही लेना पड़ेगा, 40 नहीं ले सकता, तो बी पे तो मुझे 60 ही लेना पड़ेगा। अब ए पे बात आए तो ए पे भी मुझे 50 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 70 तो बी से ज़्यादा हो जाएगा। अब डी की बात करें तो डी पे वापस से दो चांस आ गए, 50 भी ले सकता हूँ और मैं 30 भी ले सकता हूँ, तो बी और ए तो कन्फर्म था, तो 60 प्लस 50 110 तो कन्फर्म है प्लस। अब देखो चार पॉसिबिलिटी आएंगी, सबको करके देख लो, 70 और 30 100 210 ऑप्शन में है, 100 और 30 है ना 130, 130 प्लस 240 आ गया, 240 ऑप्शन में नहीं है ना, 70 50 120, 120 और 110 230, 230 भी ऑप्शन में नहीं है ना। अब 100 और 50 150 260 भी ऑप्शन में नहीं है, तो देखो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा था 70 और 30 100 वाला है ना, तो 210 ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो काफ़ी ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था है ना। तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर खूब करो, और इस चैनल को प्लीज़ ब्रांड बनाओ। हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल, और आज कैट 2022 के हम लोग सेकेंड स्लॉट के फोर्थ सेट को करेंगे, और ये क्वेश्चन दिखने में भले कितना भी टफ लगे लेकिन कैट 2022 का सबसे आसान सेट यही था। इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा है ना। दरअसल सॉल्यूशन के अलावा आप एक चीज़ और सीखोगे इस वीडियो में कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए, खासतौर से डीआई के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान से समझना। और हाँ जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए उनको मैं बता देता हूँ कि कैट 300 हमारा चालू हो गया है, ठीक है, इसके वीडियोस मिलना बच्चों को चालू हो गए, और अभी तक नहीं लिया हो तो जल्दी से हमारी वेबसाइट catipmat.com/cat300 पे जाके इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। कैट 300 हम लोग एग्जाम के 1 मंथ बिफोर ही लॉन्च करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है परसेंटाइल बढ़ाने में। चलो अब इसको करते हैं, और देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ ना, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, मैंने मोनेटाइजेशन तक बंद कर दिया आप लोगों के लिए, अब देखना मेरे किसी वीडियो में ऐड नहीं दिखते होंगे, तो कम से कम सब्सक्राइब और शेयर ही खूब कर दिया करो। चलो जल्दी से क्वेश्चन और ट्रिक जरूर देखना है ना क्वेश्चन, और हाँ क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन जरूर देखना, उसमें एक बहुत खतरनाक ट्रिक बताई है, ठीक है, उससे आपके मैथ्स के कंसेप्ट भी अच्छे होंगे, विदाउट कैलकुलेटर कैसे किया जाए सीख लोगे। टू प्लॉट्स बिलो शो द डेटा ऑफ 4 कंपनीज ए बी सी डी 3 ईयर्स में है 19, 20, 21। द फर्स्ट प्लॉट शोज द रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ये लिखा है रेवेन्यू, ये है कॉस्ट, ये पूरा डाटा मैं आपको इसी बता दूंगा अभी, ठीक है। कंपनी सी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू है, 100 इधर, ये देखो 2021 में, ठीक है, ये दिख भी रहा है, ठीक है, और 30 करोड़ खर्च किए, प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। देखो अगर इस पे ही सिर्फ अभी इसी चार्ट को बनाए तो देखो डाटा कौन कौन से, 2019 का लेना है, 2020 का लेना है और 2021 का लेना है, ठीक। इसमें अब हर इसमें 3 चीज़ें देखनी है अपन को, तो ऐसी लाइनें और खींच लो,
तीन चीजें क्या देखनी है? देखो, एक हम देखेंगे रिवेन्यू, एक देखेंगे कॉस्ट, तीसरा प्रॉफिट। रिवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट, रिवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक, कंपनी कौन कौन सी? ए, बी, सी और डी। और एक बार चार्ट बन गया तो फिर तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। इसमें खास चीज समझना भी बताऊंगा, सिर्फ इसी चार्ट के ऊपर तीन क्वेश्चन थे आउट ऑफ फाइव, तो सिर्फ यही करके पांच में से तीन क्वेश्चन कर लेते तो भी मेन काम हो गया। फिर बचे हुए दो क्वेश्चन के लिए अगला चार्ट देखना हो तो देखो, नहीं तो नेक्स्ट सेट पे चले जाओ, पूरा टाइम मिलेगा। छोटी मगर मोटी बातें है ना। ये थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करके देख लेते हैं, है ना। देखो 19 में देखते हैं, 19 मतलब ये बना हुआ है ट्रायंगल। चलो पहले सी का दिख रहा है उसी को लिख लेते हैं। ये मान लो 30 है, ये 20 है ना, थोड़ा सा आगे 30 मान लो, नहीं सॉरी 30 तो बीचों बीच आएगा, ठीक है, इसको 25 मान लो। तो सी का है 25 रिवेन्यू, ठीक, और 20 कॉस्ट, प्रॉफिट हो गया 5 का। जी समझ में आगे कैसे करना है? ठीक है, सी के बाद ट्रायंगल में ये डी दिख रहा है ना 19 का ही, इसका बीचों बीच है, तो 50 मान लो रिवेन्यू, 40, तो 50 40 10 का प्रॉफिट, ठीक है। और ट्रायंगल ट्रायंगल ये रहा ए, है ना, बीचों बीच है 90, है ना 90, और ये थोड़ा सा ऊपर है 85, 90 85 प्रॉफिट 5 का, ठीक। और ऐसे ही बी का ट्रायंगल कहाँ है? ये रहा 100, और ये 80 से थोड़ा कम 75, 25 का प्रॉफिट। जी समझ में आ गई? ये समझ में आ गया हो तो अगला कॉलम खुद से भरो, ठीक। अब 2020 का देखते हैं, ट्वेंटी ट्वेंटी का डिंग डिंग डिंग, 2020 ये है ऑरेंज वाला ना, ए पे आ जाओ सीधे ए, 90 और ये 65, 60 से थोड़ा ऊपर 65, 90 और 65 है ना, 25 का प्रॉफिट है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ऑरेंज ये भी 90 और 40, 50 का प्रॉफिट है ना। ए बी सी ये रहा ऑरेंज, बीचों बीच है तो 60, 70 और 60, 10 का प्रॉफिट। और डी 20 और 50, इसमें तो लॉस हो गया, 20 और 50, 30 का लॉस हो गया, तो -30 लिख लो, ठीक। अब 2021 का देख लेते हैं, ठीक है। 2021 थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि एक ही फ्रेम में सब कुछ आ जाए। हाँ, 2021 ए 60 और 30 बोल देते हैं, 60 30, 30 का प्रॉफिट है ना, ए हो गया। बी 30 30, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ए बी के बाद सी, ये भी गया 100 और 30, ये तो गजब प्रॉफिट हो गया 70 का। और डी भी देख लो 70 और 70, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अभी इसी पे अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, ये देखना सबसे अच्छा तरीका, अभी अपन ने सेकंड चार्ट देखा ही नहीं, ठीक है। अब दे 16th, कंसिडरिंग ऑल द 3 ईयर्स विच कंपनी हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट, सी का ऊपर अभी दिख ही गया था है ना। देखो 70 ओवरऑल देखोगे तो भी सी का ही ज्यादा रहेगा, 70 प्लस 10 प्लस 5 85, इसका 75 ही है, एनुअल पूछा है तो वैसे ही 70 का दिख रहा है। देख देख के सिर्फ आंसर लगाने, सिर्फ देखो ऊपर वाले चार्ट से दो तीन क्वेश्चन होगा, ये डीआई की खास बात होती है। 17 हाईएस्ट एनुअल रॉल्स, अपन को अभी डी दिख गया था है ना, सीधे सीधे ओरल ओरल आंसर लगाने। कैट में देखो ओरल आंसर कहाँ ही आते हैं, देखो एनुअल लॉस को 30 का लॉस अपन ने पहले ही देख लिया था। अब रेशियो ऑफ कंपनीज एनुअल प्रॉफिट टू इट्स एनुअल कॉस्ट मेजर इट्स परफॉर्मेंस है ना, लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो 90 में बताना है, क्या बताना है?
प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट देखना है 19 में, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट ए का देखो 5/85 है, यहीं पे लिख लेते हैं, है ना, इसी के चार्ट के आगे। ए का 5/85 मतलब 1/17, 1/17 फ्रैक्शन आपको रटे होने चाहिए, 5.88% होता है, परसेंटेज में लिख लेते हैं अपन, ठीक है। ए का है यहीं पे लिख लो 5.88%। बी का देखो 25/75, 1/3, 33.33%, है ना, इसका 33.33%, ठीक। सी का देख लो 5/20 यानी 1/4, और डी का 10/40, ये भी 1/4, 1/4 यानी 25% दोनों हो गए परसेंटेज में लिखे। तो अब बताओ पांच में से तीन क्वेश्चन ओरल नहीं थे, वैसे अगले दो भी ओरल हैं, लेकिन उसके लिए अगला चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। लोएस्ट पूछा था 5.88, ऑप्शन ए, वो कितना आसान था, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लॉस्ट इन, इसके लिए अब सेकंड चार्ट देखना पड़ेगा। चिसन में कितने आसान है, देखो इसी तरीके से आसान तरीके से सीखना हो ना चीज़ें, मेरा वीडियो कोर्स ले लेना, जो भी आपकी पहचान में नेक्स्ट ईयर कैट दे रहा हो ना, या IPM की कोई तैयारी कर रहा हो, उनको प्लीज़ मेरे ही सजेशन दिया करो। अब इसमें भी चार्ट पहले देख लेते हैं। इन द सेकेंड प्लॉट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी एट द स्टार्ट ऑफ ईच थ्री ईयर्स एज वेल एज नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयज हायर्ड ईच ईयर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी बी हैड 250 एम्प्लॉयज एट द स्टार्ट ऑफ 2021। 2021 का बी का कहाँ है ये, हाँ 250 दिख रहा है, और 30 न्यू ज्वाइनिंग होंगे, हाँ ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें भी हम वैसे ही करें 2019, 2020 और 2021। अब देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें थोड़ा दिमाग से देखना, एक स्टार्ट होगा, फिर न्यू ज्वाइनिंग होंगे और एक लेफ्ट करेंगे। स्टार्टिंग में कितने हैं न्यू ज्वाइनिंग, कितने लेफ्ट, कितने उन्होंने किया, स्टार्टिंग में कितने न्यू ज्वाइनिंग, कितने लेफ्ट, कितने उन्होंने किया। कंपनी तो वही चार, वो हमें देखनी है, ABCOD। लाइनें इसलिए खींच दिया करो ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे क्या लिखना है, नहीं तो कई बार वो इधर उधर हो जाता है ना, सब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब 19 में एक ही बात करते हैं, ठीक है। ए में देखो 19 में 150 स्टार्टिंग में है और 20 न्यू ज्वाइन ही है, 150 और 20, है ना, ए हो गया। बी का देखो 210 मान लो, 210 है और 35 ने छोड़ दी, यानी न्यू ज्वाइन ही है, क्या बोला मैंने, 210 और 35 न्यू ज्वाइनिंग, है ना, ट्रायंगल देखना है 210 और 35। सी देख लो बीचों बीच 325 और 45, 325 और 45, ठीक है, सी ये बीचों बीच था। और डी देख लो तो 400 और 30। लेफ्ट अभी नहीं बता पाओगे जब तक अगले साल का स्टार्टिंग पता ना चले, तो लेफ्ट अभी छोड़ दो। 2020 देखो ऑरेंज वाला ए 150 से थोड़ा, 140 और 35, 140 और 35। बी ऑरेंज देखो 240 और 45, सी देखो ऑरेंज में 325 और 40, ठीक है सी। डी देखो ऑरेंज में 410 और 35, 410 और डी और 35। अब बस एक और बचा 2021, वो भी देख लेते हैं। 2021 सर्कल है ए, ए का क्या है 150 और 25, 150 और 25, ठीक है। बी देख लो, एक सेकंड ना, मेरे कैमरे की बैटरी शायद जाने वाली है, है ना, पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा अगर उसको नहीं लगाया अभी तो, वो अपन लगा देते हैं, एक सेकंड, चलो।
ए हो गया, बी देखते हैं, ए का लिख दिया ना 150 और 25। हाँ बी का सर्कल देखो ये रहा 250 और 30, 250 और 30। सी देख लो सर्कल में ये रहा 325 और 35, 325 और 35, और आखिरी डी बचा है ये दिख रहा है सर्कल 400 और 40, 400 और 40। अब तो चैट कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है अब देख लेते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, कलर चेंज करके करता हूँ। देखो 150 और 20 एक ही बात करें, 170 हो गए, लेकिन इधर 140 दिख रहा है, मतलब 30 ने छोड़ दिया होगा। सिमिलरली 210 और 35, 245, लेकिन 240 दिख रहा है, मतलब 5 ने छोड़ दिया होगा। अब 325 से 325, यानी 45 आए और 45 ने छोड़ दिया होगा, है ना, छोड़ने मतलब रेड कलर से अपन लिख देते हैं। अब 430, 430 हो गए, 410 बचे, मतलब 20 ने छोड़ दिया होगा, है ना, 430 में से 20 ने छोड़ा, 410। सिमिलरली अगला करो 140 और 35, 175, 25 ने छोड़ दिया होगा ताकि 150 हो जाए। अब 240 और 285 हो गया इन दोनों का एडिशन, यानी 35 छोड़ देंगे तो 250 बचेगा। सिमिलर 325 से 325 रहा, मतलब 40 आए, 40 ने ही छोड़ दिया होगा, कोई दूसरे 40 हो सकते हैं, ऐसा नहीं जो नया है वो नहीं ने छोड़ा होगा। अब ये 410 था आई थिंक डी ऑरेंज, हाँ 410, 400 आ गए, यानी 35 न्यू आए थे और यानी 45 ने छोड़ दिया होगा, ठीक ये है। बस अब क्वेश्चन कर लेते हैं, 2022 का डाटा नहीं है इसलिए 2021 के लेफ्ट हम नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लॉस्ट है ना 19 और 20 में लीस्ट फॉर, ठीक है सबसे कम मिला के, है ना। देखो ए का टोटल 30 और 25, 55 लॉस हुए, बी के 40 लॉस हुए 35 और 5, सी के तो बहुत ही ज़्यादा होगा 85, और डी के 65। सबसे कम दिख रहा है 40, यानी बी के सबसे कम होंगे, लिस्ट पूछा था बी, था ना आसान। अब 20 क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगी आपको, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करूंगा। पहले बोला क्या देख लो, प्रॉफिट पर एम्प्लॉय इज द रेशियो ऑफ कंपनी प्रॉफिट टू इस एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, फॉर दिस पर्पज द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन अ ईयर इज द एवरेज ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर एंड द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब बोला 2020 में प्रॉफिट पर एम्प्लॉय सबसे ज्यादा किसका है, तो पहले 2020 का प्रॉफिट लिख लें अपन, ए बी सी डी सबका, देखो ए बी सी डी सबका प्रॉफिट लिख लें अपन पहले, तो 2020 में ये रहा 2020 प्रॉफिट क्या है, 25, 35, 40, 45 लिख लेते हैं, क्या था 25, 35, 40, 45 यही था ना, 25, 35, 40, 45। अब अपॉन में क्या आएगा, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ सबकी, अब एम्प्लॉय स्ट्रेंथ क्या है, बिगनिंग ऑफ दैट ईयर एंड बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसका एवरेज लेना है, ठीक है। तो ए का एवरेज क्या हो जाएगा, देखो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर 140 है ना, और इसका है 150, 140 और 150 का एवरेज 145, इसमें लिख दो 145। अगला बी का एवरेज देखो 240, 250 एवरेज 245। सी का एवरेज देख लो 40 का एवरेज, अरे यार ये तो मैंने वो लिख दिया, सॉरी सॉरी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लिख दी है ना, चलो एम्प्लॉयज वाला तो सही लिखा। सी का एवरेज 325, 325 यानी 325 ही रहेगा, और डी का एवरेज क्या हो जाएगा 410 और 400, 405, 405। ये मैंने गड़बड़ कर दी थी ना, प्रॉफिट लिखना था ऊपर, तो प्रॉफिट तो ऊपर वाले चार्ट में था, ठीक है ऊपर वाले चार्ट में देख लेते हैं प्रॉफिट क्या क्या था हर कंपनी का, ये रहा 25, 50, 10। डी तो लॉस में था, उसको लिखते ही नहीं अपन, हाईएस्ट पूछा ना, तो 25, 50 और 10 लिख लेते हैं,
25, 50 और 10। अब देखो एक अच्छा तरीका बताऊंगा, डी को क्यों कैंसिल किया समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाईएस्ट पूछा है। अब देखो मान लो कैलकुलेटर नहीं है, वैसे आप तो कैलकुलेटर से कर लेना, सबका न्यूमरेटर अपन कॉमन कर सकते हैं, न्यूमरेटर कॉमन कर दो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 290, ये तो 50 अपॉन 245 है ही, आंसर तो अभी आप समझ ही गए होगे। इसमें 5 कर दो तो 50 अपॉन, वैसे समझ ही गए होगे, लिखना नहीं फिर भी लिख देता हूँ, है ना। अब देखो हाईएस्ट प्रॉफिट पूछा था, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे बड़ी, क्योंकि न्यूमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, बी का, यानी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा बी का होगा। ये देखो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, खूब ज़्यादा शेयर करो, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।